हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू हुसैन ब्लॉग। वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पर विद अ न्यू डे एंड विद अ न्यू ब्लॉग। तो सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो उठ चुकी हूँ मैं, आज कुछ स्पेशल है। आज एक्चुअली क्या है, मनन जा रहा है ट्रिप। तो इनका ट्रिप कहाँ जा रहा है? कुरुक्षेत्र। तो वैसे जा तो सभी बच्चों का रहा है डॉल्स भागे का। एक्चुअली क्या हुआ कि डॉल्स वागे का पहले डिसाइड हुआ था कि रॉक गार्डन जा रहा है, तो रॉक गार्डन हमने देखा हुआ है तो मैंने नहीं भेजा। तो रात को, मतलब शाम को, सडनली स्कूल से मैसेज आता है कि इनका जो ट्रिप है संजू सभागे का, वो मतलब चेंज हो गया है। इनका अब यहाँ पर मोहाली में कुछ चप्पड़ चीरी करके कुछ जगह है, तो वो वहाँ जा रहा है। तो अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न फॉर्म फिल हो चुके थे, सबमिट हो चुके थे। तो वैसे मैंने मैम को कॉल भी किया था शाम को कि अगर कुछ जगह है तो बता दीजिए, तो मैम ने मना कर दिया कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम के पास जो फॉर्म है सभी जमा हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जैसे भी रहेगा। तो मनन ने जिद करके हाँ करवा ली अपने पापा से कि मुझे तो जाना ही है, तो ये जा रहा है। तो वो मतलब वैसे होता ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो अभी फिलहाल पहचान बना रही हूँ ये, अभी तैयार हो चुका है। तो अभी क्या लेके जा रहा है दिखाती हूँ मैं, टिफिन में और सब कुछ। तो गाइस, पानी की बॉटल रख ली है मनन ने, और टिफिन में आज ये लेके जा रहा है सैंडविच। तो और कुछ इन्होंने स्नैक्स रखे हैं, ये इसके है। इसके और इसके फ्रेंड के मिलके हैं, मिल जो है, हमारे मतलब अकेले मैं नहीं खाने वाला ये सैंडविच। तो ये सैंडविच रख लिया है इसने, साथ में सॉस के पाउच है। अभी जस्ट इसका टिफिन तैयार किया है। स्कूल्स वालों के थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने के लिए बोला गया है, जैसे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रेस होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, शूज जो है पॉलिश होने चाहिए, आई कार्ड वियर होना चाहिए, सब कुछ है। और दूसरा है कि बच्चों को समझा के भेजे, टीचर्स ने बोला है कि पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को समझा के भेजे कि जो भी टीचर बोले वही आपको माननी है बात, कोई चीज़ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो अभी देख सकते हैं टाइम हो चुका, ये एक्चुअली थोड़ा 5 मिनट आ गया है, वैसे 7:40 हुए हैं अभी। तो इनको अराउंड 8:15 पहुँचना है स्कूल के अंदर, और 8:30 बसेस वहाँ से निकलेंगी, और आने का टाइम इनका रहेगा 2:30। तो देखते हैं फिर ये क्या क्या आज घूम के आते हैं। कुछ साइंस वो है, म्यूजियम है, वहाँ लेके जाएंगे, और एक दो जगह है जो जाएंगे लेके, तो वो आके ही बताएगा क्या है क्या नहीं। और सौभाग्य सो रहा है यहाँ पर, संजू भी सो रही है क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, जो बच्चे ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं उनकी छुट्टी है। तो अभी ये देख के तांडव करेंगे। ये उठ के मुझे बोलने वाले, आपने भैया को भेज दिया है मुझे, हमें क्यों नहीं भेजा, हमें नहीं भेजते हो, भैया से ही प्यार करते हो उसको ही भेज देते हो। अभी इनको संभालना थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि कल 2 दिन से यही समझा रही थी तो मान गए थे। और जैसे कि ये मेहंदी मेरे देख सकते हैं, मैंने लगाई है, एक्चुअली मैंने कल रात के डॉल को लगाई थी मेहंदी, तो थोड़ा सा बच गई थी तो मैंने अपने एक हाथ पे लगा लिया ऐसे। तो उसको मैंने इसलिए मनाया कि चल ठीक है तेरे मेहंदी लगा दूंगी, ये थोड़ा सा बहलाया फुसलाया तो वो मान गई थी, नहीं तो वो तो बहुत ही वो रही थी गुस्से की, नहीं मैं तो जाऊँगा मैं तो जाऊँगा। तो मैंने उसको थोड़ा समझा लिया। तो देखते हैं अभी उठते हैं तो फिर कैसा रहता है। बस अभी एक्चुअली इसका फ्रेंड भी जा रहा है जो कि यहाँ पर पास में रहता है, मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं चलती हूँ स्कूल छोड़ने, बोल रहा नहीं मैं फ्रेंड के साथ चल रहा हूँ क्योंकि उसके दादाजी जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं मैं उसके साथ ही चला जाऊँगा, आप लेने आ जाना। तो देखते हैं फिर, अभी ये रेडी हो गया है, दूध पी लिया, कुछ ले लेता साथ में बिस्किट विस्किट, अभी टाइम है मनन। तो गाइस अभी ये जा रहा है, फिर मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। तो जी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर मनन को लेने के लिए, ये देख सकते हो मैं स्कूल के बाहर ही खड़ी हूँ, मेरे बाद भी कुछ पेरेंट्स आए, कुछ पहले से ही खड़े हुए थे, लेकिन ग्रुप में मैसेज आ गया था कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मुझे वहाँ पर अराउंड 1.5 घंटा वेट करना पड़ गया। मैं यहीं पर वेट कर रही थी, और घर पर जैसे कि डॉल्स भागे को छोड़ के गई थी, तो उनको फिर मैंने फ़ोन किया कि तुम लॉक करके ट्यूशन चले जाओ, तो फिर वो चले गए थे, मैं यहाँ पर ही वेट कर रही थी। गाइज़ जे
जिम से आने के बाद मैं रेडी हो गई थी मनन को वापस लाने के लिए, क्योंकि इनके स्कूल के जो ग्रुप में मैसेज आया था कि 3:30 पे जो है बसेस आ जाएंगी, तो पेरेंट्स को वहाँ पर पहुँचना था। बट हुआ ये था कि बसेस थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो आधा घंटा वहाँ पर मुझे वेट करना पड़ा। तो बस मनन को मैं लेके आई और साथ में उसका एक फ्रेंड भी था जो यहाँ पर रहता है जैविन, उसको भी मैम ने फिर मेरे साथ ही भेज दिया था क्योंकि उसके घर से नहीं आया था कोई लेने के लिए। तो हम तीनों ही एक्टिवा पे आ गए थे। उसके बाद बस आके खाना वाना हुआ थोड़ा बहुत, मनन ने तो शायद थोड़ा बहुत खाया है और मैं खा के ही गई थी। एक्चुअली खाना आज क्या हुआ था कि जब मैं जिम जा रही थी तो नेहा का फ़ोन आया था। तो जैसे कि कल उन्होंने पापा के नाम की जैसे खाना किया था, जो मम्मी मेरे को भी बुला रहे थे तो मैं यमुनानगर जा नहीं पाई मनन के ट्रिप के चक्कर में, तो मम्मी ने फिर आज वो खाना भिजवा दिया था उनके यहाँ। तो मैं जिम जा रही थी तो नेहा का फ़ोन आया था कि दीदी खाना लेके आ रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा डॉल सुबह के घर पर ही हैं तो वहीं पे दे देना, मैं तो अभी जिम जा रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो रहा था। तो नेहा खाना दे गई थी, फिर वापस आया तो मुझे कुछ ज़्यादा बनाने नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने चावल ही बनाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा था, मतलब छोले थे, मिक्स वेज था, खीर थी, पूड़ियाँ भी थी। तो मेरे को तो जैसे आपको पता है कि मैंने पूड़ी नहीं खानी थी, पूड़ी नहीं खानी थी क्योंकि मैंने रोटी बंद की हुई है, मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया था। तो बस फिर अभी मनन को भी फिर मैं ले आई थी। उसके बाद फिर अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम किया जाए क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो कपड़ों का काम जो सही है कि गर्मियों के कपड़े निकाल रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं घर इस कमरे की हालत। तो गाइज ये मैंने थोड़ा सा बच्चों के अलमीरा सेट करी है क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म्स भी है जो विंटर की, वो एक तरीके से हो जाएगी पहनने के लिए, तो यूनिफॉर्म तो वो निकाल दी है मैंने, ये पड़ी हुई है। तो अभी इसको देखती हूँ धोऊंगी फिर या ऐसे ही प्रेस कर लूँ, क्योंकि धो के तो रखी होती है, प्रेस कर लूँगी एक बार, तो इतना टाइम से बंद रहती है ना ऐसे ही। तो अभी अलमीरा मैंने पूरी खाली करी है और ये जो बैग में है ये है गर्मियों के कपड़े, जो निकर्स और टी शर्ट्स वगैरह हैं बच्चों की, और वहाँ पर अभी पूरी बाजू के रख रही हूँ, जैसे टी शर्ट्स है या लेगिंग्स है, पजामा है। तो अभी ये सारा खलेरा मैंने निकाल लिया है, तो इनको विंटर वाली यूनिफॉर्म के साथ टाई है, समर वाली में नहीं है। तो अभी बस यही खलेरा समेट रही हूँ मैं, देखते हैं फिर, क्योंकि एक कमरा मैं सोच रही हूँ रात को कर लूँ क्योंकि कल है सैटरडे, तो कल मेरा जिम नहीं मैं जाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम है। जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अब थोड़ा साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। वैसे तो मैंने जब बप्पा बिठाए थे तो भी बहुत अच्छे से साफ किया था घर, और परसों से है जैसे कि पहला नवरात्रा, तो उसमें भी कहते हैं ना कि अच्छे से पूरा घर साफ कर लो एक बार नीट एंड क्लीन। तो वही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कपड़ों का भी हो जाएगा काम, एक एक करके करेंगे। तो शुरुआत इस कमरे से करी है, तो देखते हैं फिर अभी कैसे निकल के आता है। इस रूम जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं सामान पूरा अच्छे से टिका दिया है झाड़ पोंछ करके, और जो बच्चों की अलमीरा थी वो भी सेट हो गई है, देख सकते हैं कपड़े। अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा जैसे होता है पूरी फुल स्लीव्स की जो निकाली है टी शर्ट, अभी इतना भी मौसम ठंडा नहीं है कि मोटे कपड़े निकाले जाएँ। पूरा सेट हो चुका है और बच्चे भी सो चुके हैं, देख सकते हैं पूरा रूम। ये बहुत सारा कबाड़ निकला है जो कि मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, कल कपड़े भी धोने वाले बहुत सारे हो जाएंगे। और अभी मैंने घोली है मेहंदी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सिर में मेहंदी नहीं लगाई थी, तो देख सकते हैं ये इसमें मैंने दही, कॉफ़ी और आंवले का पाउडर और भृंगराज पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला के अभी जस्ट इसको ऐसे ही घोल के रख दिया है, सुबह देखेंगे इसको। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो अभी बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, बच्चे सो चुके हैं, मैं बस किचन समेट चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेहंदी घोल के हटी हूँ अभी, तो मॉर्निंग में कल सिर पे मेहंदी लगेगी और कल बहुत सारा काम है। एक रूम की सफाई तो हो गई है और अभी एक इस साइड वाले रूम की बची है, तो वो कल मैं करूँगी। और थोड़ा मेड को भी लेट बुलाया मैंने काम के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, तो अभी कल बहुत सारे काम है, बहुत बिजी हूँ।
तो बस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।